हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ अभी जिम। और आज है मेरे जिम का फर्स्ट डे, मतलब कल तो एक तरीके से ट्रायल लिया था, मशीन वगैरह चलाना सीखी थी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अपना वॉच वगैरह पहन ली अच्छे से। वो कुछ ऐसा लुक है मेरा आज का जिम का। सो गाइज, अभी चलते हैं जिम और मस्त अपना जिम करेंगे। तो गाइज, पहुँच गई हूँ जिम और ऊपर चढ़ना पड़ता बहुत ज़्यादा सीढ़ियों में, बस सही है। आती ही सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल पे रनिंग की और ये मैंने 20 मिनट की। और यार, जब इस पर से उतरते हैं ना तो सर घूमता है, आपको भी ऐसा होता है क्या? उसके बाद यार मैंने ये साइकिलिंग की, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले साइकिलिंग में ये जो पैर होता है वो फंसाए अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा टाइट किया। और फिर मैंने साइकिलिंग की, इसको भी मैंने कम से कम 15 मिनट किया। भैया ने कहा था कि इसको 15 मिनट करना। कट करने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, फिर मैंने उस पानी पिया और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना, यार एक साथ थोड़ा पानी नहीं पीता। उसके बाद मैं गई ये नेक्स्ट मशीन पे, मैं ये कर रही थी वाली मशीन पे और इसमें चल नहीं रहा है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं आ रही है। और भैया यहाँ पूरे जिम में कोई भी नहीं है यार, तो अभी समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ इसे। भैया का वेट करती हूँ तो तब देखती हूँ कैसे होगा। तो टिकल सा लग रहा है क्योंकि मेरी रेडिंग समझ आ रहा है, इसको मतलब क्लॉक वाइज चलाओ कि एंटी क्लॉक वाइज चलाओ, वो देखते हैं यार क्या ना, बहुत बेकार हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। भैया तो आई नहीं, मैं बहुत देर तक उनका वेट करती रही। फिर मैंने अपनी दीदी से फ़ोन करके पूछा कि इसको कैसे चलाओ, तो फिर फाइनली उसने बताया और मैंने इसको चलाना शुरू किया। और यार, इसको चलाना मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है यार। 5 मिनट में ही ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी और 5 मिनट में इसको बहुत मुश्किल से कर पाई। तो अब भैया भी आ चुके हैं, चलो थोड़ी तो खुशी हुई और मुझे कुछ तो सही से पता चलेगा कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो मैं बैठ गई इस मशीन पर, यार मुझे नहीं पता इस मशीन का क्या नाम है। तो ये मैंने बिना वेट के की, मतलब अभी तो वैसे चलाना सीख रही क्योंकि मेरे शोल्डर बिल्कुल भी सीधे नहीं गया, तो मैं इसको बिना वेट के चला रही थी बस। फिर उसके बाद मैं गई इस जगह पे और यार भैया ने मुझे बताया कि इस तरीके से 15-15 के सेट लगाने हैं। और यार मैं ना इसको कर ही नहीं पा रही थी, मतलब मेरी 15 सेट पे इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना। मेरा राइट हैंड तो सही चल रहा था उठाने के लिए, पर लेफ्ट हैंड नहीं चल पा रहा था और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी, आ गई मैं नेक्स्ट मशीन पे और यार ये मुझे भैया ने बताया इसको कैसे करना है, और ये भी मैं बिना वेट के कर रही थी और इसे करने में तो सही है, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर भैया ने मुझे बोला इसको ना आराम से छोड़ना है क्योंकि ना इससे चोट भी लग सकती है। तो फिर मैं करती गई, इसके भी मैंने 12-12 के 3 सेट किए। फिर से एक और नई मशीन पे आ गई और यार इस मशीन का भी मुझे नाम नहीं पता है। बहुत सारी मशीनें यहाँ पे ऐसी थी जिनका मुझे नाम ही नहीं पता था, तो कमेंट करके जरूर बताना किसका क्या क्या नाम है और कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए की जाती है। तो ये भी मैं बिना वेट के करी थी, भैया ने भी बोला कि इसके 12-12 के 3 सेट करो। पर यार ये मैंने जब वीडियो एडिट करी थी तब पता चला कि मैं गलत कर रही हूँ, इसको सही से नहीं कर रही हूँ। तो कल मैं भैया के पास जाऊँगी तो बोलूँगी कि भैया थोड़ा ध्यान देना कि मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और खांसी होने की वजह से भी ना यार मैं अच्छे से कर नहीं पा रही थी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद मैंने ये डंबल उठाए और इसकी मुझे 15-15 के सेट करने थे यार, और मैं दोनों हाथों से नहीं कर पाई थी। तो मैंने पहले एक हाथ से किया, राइट हैंड से तो सही हो रहे थे यार, लेफ्ट हैंड तो मेरा चल ही नहीं रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, लेफ्ट हैंड कम चल पाता है सही से? 15 राइट हैंड से किए और 15 लेफ्ट हैंड से, फिर 15-15 राइट लेफ्ट दोनों से किए जिससे कि मेरे दोनों हाथ बराबर तरीके से चल पड़े। और यार ये सारी एक्सरसाइज करके मेरी हो गई हालत ख़राब क्योंकि मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बस मैंने रख दिया डंबल। और तो यार एक्सरसाइज करने में मज़ा तो बहुत आता है यार, बिल्कुल मतलब मेरा सर दर्द भी नहीं हो रहा था और ऐसे बॉडी खुली खुली सी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। मेरा तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गजब रहा। आ गई हो जिम से और पहुंच गई अपने रूम पे और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज फर्स्ट डे था, इस तरीके से फर्स्ट डे था। काफ़ी सारी एक्सरसाइज की, ज़्यादा भी नहीं की क्योंकि शुरू शुरू में ज़्यादा नहीं करनी है, मैंने की नॉर्मल। और अभी मस्त चाय बनाते हैं यार रूम पे पहुँच के, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है यार, खांसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती। बच्चे आज का रहा ये मेरा जिम का फर्स्ट डे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग देख के कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, गुड नाइट।